हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं बीबीक्यू वाइन्स की द अल्टीमेट रोस्ट ऑफ समीर वर्सेस होला। तो समीर एंड होला वन ऑफ ऐसे कैरेक्टर्स है बीबीक्यू वाइन्स के जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इनका आज हम रोस्ट देखने जा रहे हैं, वो भी अल्टीमेट। तो मतलब होला तो भैया ही इज़ लाइक ऑन अनदर प्लैनेट, तो हमारे समीर भी कुछ कम नहीं है, हमारे समीर खुद्दी। तो आज हम इनका अल्टीमेट रोस्ट देखने जा रहे हैं, तो हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा गेमिंग चैनल है नाइट किंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा प्यारा सपोर्ट दिखा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में। ओहो मुबारक हो, नसबंदी करा ली, नफरत भरी आपके अंदर। क्या है, क्या है, व्हाट? मत करो। क्यों? अभी मूड नहीं है। इतने दिन हो गए हैं, एक ही बात बोल रहे हो। पिछले महीने ही तो किया था। तब तो मैंने तुम्हारे अंदर दिया था। व्हाट? देखो ना, दोनों कितने बड़े हो गए हैं, अब काबू में नहीं आते। किसकी बात कर रही हो? भुवन और बैनहो की। तू यहाँ कैसे? बुरा वक्त बता के थोड़ी आता है। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका नहीं तुझे? भूरे रंग का कुत्ता बैठा था बाहर गेट पे, वही सिक्योरिटी है। उसने बोला पिताजी अंदर हैं। तू अंदर कैसे घुसा? दरवाजा तो लॉक था। इस इलाके का कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो समीर फुद्दी ना खोल सके। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड यहीं कहीं रहती थी। हम इस इलाके के हर घर की टेरेस पे जाके मेकआउट करते थे। मेकआउट? तेरे साथ? तू पप्पी लेता है या चूहे की तरह कुतरता है? इन दांतों पे लड़कियां फिदा है, कचरा सेठ की औलाद लगता है तू। 150 रुपया देगा। ये गले में क्या है? आर्टिक फॉक्स का N95 गोल्ड मास्क, तेरी तरह 95% वायरस को फिल्टर कर देता है। कानों में दुखता नहीं, सॉफ्ट है, और तेरी तरह इरिटेटिंग मटेरियल नहीं है। चाइना? इंडियन है और स्टाइलिश भी है, तेरी भेंडी फकल हुपाने के बहुत काम आएगा। मास्क बेचने आए हैं मेरे घर? ना ना, कोरोना को क्या जरूरत मास्क की? तेरे जैसे 50 खरीद सकता हूँ। क्यों, मैं फिल्म फेयर अवार्ड हूँ। तुझे मेरा एड्रेस कैसे मिला? फेयर को हुए का बिल ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हुए? हुए नहीं, हुए। क्या हुए? तेरी गांड में फोड़े हुए। अबे हुए नहीं, हुए। मैं ह को ह बोलता हूँ ना। What? मुझे चूहा बुला रहा है। हुए को हुआ ही तो बोलूंगा, हिरण थोड़ी ना बोलूंगा। चिरण? अबे हिरण हिरण, भाई वाला हिरण। आज अकेला कैसे आया? घूमते तो तीनों साथ में हो, नील, नितिन, मुकेश। मैं बैनहो से अब बात नहीं करता। नाउ यू, मी एंड भुवन इज अ बेटर टीम। थ्री मस्केटियर्स ना, सुपरमैन और बैटमैन। ये तो दो हुए, इसमें मैं कहाँ हूँ? सुपरमैन के अंडरवेयर में। हसले होएगा जल्दी। क्यों, कांदा काटने वाला है? अरे इतनी चौड़ किस बात की, तू कहीं का डॉन है क्या? ऐसे क्यों बात कर रहा है? एफन कुरेफी है क्या? तू मेरे खौफ से वाकिफ नहीं है। अरे रू कांप जाती है उनकी जो मुझसे रूबरू होते हैं। जलजला आ जाता है मेरे कहर से, मुझसे बैर मतलब जहन्नुम से संगम। अबे जावेद अख्तर की बलगम, फालतू की उर्दू मत झाड़। मेरी बातें तेरी समझ से परे है। भाभी जी कहाँ हैं? सुना है उनके काफी, उनके दांतों में काफी कीड़े पड़े हैं। सो रही है वो। तुम दोनों साथ नहीं सोते? नाराज है आजकल। क्यों, वो भी टिकटॉक पे थी? नहीं। oh, no. मैंने घर का टीवी तोड़ दिया। तू पाकिस्तानी है ना? बॉयकॉट चाइना। पर टीवी के पैसे तो ऑलरेडी दे दिए थे ना। बॉयकॉट हाइना का मतलब है आगे से कुछ नहीं खरीदूंगा। वो भी यही कह रही थी। हे पुअर लेडी, बेवकूफ आदमी के साथ अटक गई। शादी के जोड़े ऊपर वाला बनाता है। हाँ टेलर तो होती है। अरे कपड़े वाले जोड़े नहीं, कपल। अरे ये तो बता, बिजनेस कैसा हल रहा है? गांड देने का। मेरे घर में आके मुझसे जुबान लड़ा रहा है। पीहे वाली गली में एक फैमिली को कोरोना के सिम्टम हुए हैं। मल्होत्रा की फैमिली को? तुझे कैसे पता? उन्होंने बोला कि तू गया था उनके घर 14 तारीख को। गया था 14 तारीख को, पहले मल्होत्रा के घर, फिर बैनर्जी के घर, अब कल जाऊंगा बबलू जी के घर। तू फैला रहा है कोरोना।
भोला, बाहर से भोला, अंदर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं, रोज एग्जाम के टेंशन की वजह से स्टूडेंट परेशान है, उधर हाइना वहां उधर है, और इधर तू कोरोना फैला रहा है भोपड़ी के। दुनिया की हर भफड़ में आम आदमी मर रहा है और तू बिना मास्क लगाए बाहर घूम रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? अब तुझे भी होगा। क्या ए, सीधा खड़ा रहे। मैं अपने नुनू पे गया हूँ टेढ़ा। हे, और तू मुझे कोरोना नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी है। My grandfather loves Fuddi. Loves Fuddi. Okay. क्या ही अल्टीमेट रोस्ट था समीर ने किया होला को रोस्ट। मतलब एकदम मतलब अल्टीमेट रोस्ट था सच में, ऐसे सच में। और होला को मतलब इतनी सी भी अक्ल, मतलब कैरेक्टर्स ही है पता है, लेकिन जब ऐसा रियल लाइफ में ऐसा है ऐसा दिखाई देता है थोड़ी सी मतलब इतनी भी अक्ल नहीं है जैसे बोला जाता है, कैसे किया जाता है, मतलब ऐसे बोलेंगे तो क्या हम पे उल्टा आएगा काउंटर, तो कुछ भी नहीं, ऐसे बोले जाओ काउंटर पे काउंटर हमारे पास आते जाएंगे। एकदम खतरनाक। मुझे समीर बहुत ज़्यादा पसंद था पहले, जब होला को नहीं देखा था मैंने तो समीर वॉज माई फेवरेट। जब होला इंट्रोड्यूस किया गया होला को, आई वॉज लाइक ओ माय गॉड दिस कैरेक्टर मतलब धूम मचा देने वाला है बस। मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना होला का, बोल रहे थे सबको अट्रैक्ट करता है वो इतना ज़्यादा। मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा जब होला इंट्रोड्यूस हुआ था सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इतना ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है होला। वाई? बिकॉज होली में पैदा हुआ इसलिए होला। अगर कुछ दूसरा और ही सोच रही हूँ कोई बात नहीं। लेकिन ये जो भी रोज था बीबी, मतलब ऐसे स्केचेस, मतलब वन मैन शो है भैया इसका। मतलब कैमरा उठा अपने हाथ में एंड चल पढ़ो खुद ही करो एडिटिंग एंड एवरीथिंग। अभी शायद पहले तो ऐसे होता था मतलब अकेले ही सब्जेक्ट शूट एडिट एंड एवरीथिंग, मतलब इतना ज़्यादा खतर। आई लाइक लिटरली से बीबी इज़ वन एंड ओनली पर्सन जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो भी उनके वाइंस होते हैं, जो भी मतलब मैसेज गिविंग, जो भी वीडियोस होते हैं, एवरीथिंग मतलब। और वीडियो सॉन्ग्स तो मतलब एकदम ढास हो भैया, मुझे सब इतना मल्टी टैलेंटेड पर्सन वी कैन से टू बीबी इतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने फर्स्ट टाइम जब बीबी का चैनल देखा था एंग्री मास्टर जी, अनफॉर्चुनेटली हाँ तो एंग्री मास्टर जी आई वॉज इन टू इट, तो एंग्री मास्टर जी का शायद मैंने बीच में कौन सा फिफ्थ वाला पार्ट देखा था, हाँ तो फर्स्ट टाइम फिफ्थ वाला पार्ट देखा था एंड आई वॉज लाइक इन शॉक, इतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगा ना बीबी का। ओ माई गॉड, मतलब अभी तक वो एपिसोड नहीं भूली हूँ मैं। अगर फिर से प्ले करूँ तो भैया आई वुड लाइक टू सी एंग्री मास्टर जी के 15 एपिसोड्स है अभी तक, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं एंड वी होप और भी ज़्यादा ऐसे एपिसोड्स आए एंग्री मास्टर जी के। और ये अल्टीमेट रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा था, और एक जुगलबंदी होनी चाहिए, क्या बोलते हो समीर और होला की, है ना? वी आर लाइक वेटिंग टू सी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दे गए सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गया प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।